तो कैसे हो भाइयों, नमस्ते। आज अपना होगा जिम ब्लॉक थर्ड, जिसमें हम ट्रेन करेंगे बैक और साथ में एक सेट करेंगे हम ट्रैप्स के लिए। तो अभी हम प्री वर्कआउट मील लेंगे, तो तभी मिलते हैं। तो हम लेने वाले हैं प्री वर्कआउट मील। प्री वर्कआउट मील में हम लेंगे आज पाँच अंडों की भुर्जी, साथ में दो स्लाइस ब्रेड जिसमें हमने बटर लगाया हुआ है, साथ में हम सॉस लेंगे मैगी वाली। सॉस के बिना खाने का मजा नहीं आता है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम जिम में ट्रेन करेंगे बैक, और वो उसमें हम लैट्स कवर करेंगे, साथ में हम बैक के साथ कर सकते हैं फोरआर्म या फिर ट्रैप के लिए करेंगे। बैक में हम लैट्स कवर करेंगे और साथ में लोअर बैक। अब जो लोअर बैक का साइड में फैट रहता है वो सारा कवर कर लेंगे हम। ट्यूसडे को हम बैक करते हैं तो उसमें हम लैट ही कवर करते हैं और साथ में अपर बैक। इस बार हम कवर करेंगे लैट्स के साथ लोअर बैक, और लैट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन एक्सरसाइज लगाएंगे। अपर में एक लगाएंगे और साथ में लोअर बैक में एक। अभी लाइट गई थी तो मैंने अभी जगह वही रखी हुई है। अगले वीडियो में मैं दूसरी जगह करूँगा चेंज। बुखार अभी तक है, बुखार तो कम हो गया है, पर सर्दी जुकाम है, पर दवाई खा रहे हैं, अभी हो जाएगा ठीक जल्दी। बाकी जिम तो मिस नहीं करेंगे हम, बेशक हम कितने बुखार हो जाए, कितना भी हम बीमार हो जाए वगैरह। जिम को बस हमारी आधा घंटा बचा हुआ है, उसके बाद जिम जाएंगे। अभी क्रिएटिन पिएंगे, और क्रिएटिन के साथ मिक्स करेंगे हम कॉफ़ी, पर टेस्ट तो बड़ा बेकार होता है, पर एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है। जिम के पहले एक बनाना भी खाएंगे हर बार की तरह, उसकी वीडियो भी डालूंगा अभी मैं। ऐसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था पहले, तो यहाँ पर मैं रख लेता था पीलो कोई, और साथ में मैं कैमरा रख लेता था। अब मैंने ट्राईपोड ले लिया, तो ट्राईपोड स्टैंड लगा दिया यहाँ पर। तो लाइट आ गई थी, तो जस्ट अभी आई थी लाइट, तो मैंने सोचा कि रूम चेंज कर लेता हूँ मैं। तो ये अपना सेकंड रूम। तो अब मैं प्री वर्कआउट मील में लेने वाला हूँ क्रिएटिन और साथ में कॉफ़ी, एक जो 2 रुपये वाला पाउच आता है, और साथ में एक बनाना। वैसे तो बनाना जिम के पहले भी ऐसे बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद भी बहुत अच्छा रहता है, तो हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे हमें फैट भी बहुत होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक खाना चाहिए बनाना जिम के पहले, और उसके बाद आप बेशक दो खा लो, ज़्यादा नहीं, दो ओनली जिम के पहले एक। तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा जोर लगेगा, अगर ज़्यादा खाओगे तो जैसे आप सेट मार रहे हो तो उससे आपको मतलब कि थोड़ा वो रहेगा, थोड़ी जल्दी आपकी जो थकावट होगी वो लेट होगी थोड़ी। जैसे हम जोर लगाते हैं ज़्यादा जिम में, हमारा पसीना निकलता है, और हम मतलब कि अगर वैसे करेंगे तो हमारा मसल बिल्ड होगा, अगर डाइट लेंगे तो होगा ही ना भाई, तो वैसे ही होता है सीन। और ये क्रिएटिन है, अभी मैं कॉफ़ी के साथ इसको पीऊँगा, तो देखते हैं अब कैसा था टेस्ट। टेस्ट तो मेरे को पता है कैसे आएगा, अभी आप मेरे एक्सप्रेशन से देख लेना। बाकी मिक्स हो रहा है क्रिएटिन अच्छे से, अनफ्लेवर्ड है, तो नहीं तो अगर ऐसे होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत बढ़िया हो गया है। अब पीते इसको, पहले क्रिएटिन पियेंगे उसके बाद बनाना खाएंगे। क्रिएटिन पियेंगे कॉफ़ी के साथ। ऐसे मैं जिम में जाके वहाँ पर ही पीता था कॉफ़ी, पर मैं सोचा हूँ, अब सोचता हूँ कि 5-10 मिनट बचे हैं जिम को, तो यहाँ से पी के जाता हूँ। आप अगर 10-20 मिनट पहले कोई ड्रिंक ले रहे हो प्री वर्कआउट ड्रिंक, तो आपको जिम में चुभती बहुत अच्छी है वो, जब आप वर्कआउट कर रहे होंगे। क्रिएटिन के साथ पीते हैं इसको अब।
क्रिटीन का टेस्ट बहुत खतरनाक है, मतलब कि बड़ा बेकार है, और ये कॉफी का तो टेस्ट सबसे बेकार है। अगर आप ये पी रहे हो तो उसके बाद आपको मतलब बात नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से आप, जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है। तो आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, अगर आप ये ड्रिंक ले रहे हो कोई कॉफी वगैरह, कॉफी आज अगर आप दूध के साथ मिला के पियोगे तो बहुत अच्छी रहती है वो। अगर आप ऐसे पी रहे हो तो टेस्ट अच्छा नहीं होता था। उसके बाद आप कोई सेंटा फ्रेश या सेंटा फ्रूट, या कोई अगर आप मतलब कि वेट लूज करना चाहते हो तो आप मीठा नहीं खा रहे हो, तो आप जो वो होती है शुगर फ्री वाली मिंट वाली आती है, जो एक सेंटर फ्रेश जो क्या होती है वैसी होती है, आप वो भी खा सकते हैं जिसमें शुगर नहीं होता है पर मीठी होती है, वो ठीक होती है वैसे। अब हम खाएंगे बनाना, बनाना भी मीठा होता है वैसे तो ठीक होता है भाई। जो मेरा पुराना माइक था तो वो खराब हो गया था, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये माइक है, पहले जो माइक था वो अच्छे से चलता नहीं था, उसमें ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं आती थी, बैकग्राउंड की आवाज़ बहुत आती थी, तो ये कैसे चल रहा है अच्छा? क्योंकि वो जो पुराना माइक था वो खराब हो गया था। अभी मैंने लिया माइक, ये K8 वाला माइक है, ये मेरे को 500 रुपये का पड़ गया है, लोकल लिया था यहाँ सिंदूरपुर में, ये है K8, अच्छा माइक लगा मेरे को ये, पर देखते हैं अब कितने दिन तक चलता है। अगर ये खराब होगा तो हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करवाएंगे या फिर नया भी लेंगे, कोई बात नहीं, पर खराब ना हो। पहले की तरह ऑनलाइन मंगाया था पर वो खराब हो गया। अभी तो मैं नया नया ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऐसे मैंने पहले कभी की नहीं, तो मेरे को थोड़ा वो रहता है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलता हूँ मैं। आज मेरा दोस्त भी ठीक हो गया हुआ है, वो बीमार था पहले, तो अब वो भी जिम आएगा आज, तो वो भी हमारी थोड़ी मदद करेगा रिकॉर्डिंग में। जैसे कोई जगह होती है हम जिम मार रहे हैं, वहाँ पर ट्राईपोड रखने वाली जगह नहीं है, तो वहाँ पर वो रिकॉर्ड कर लेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। मेरे फ्यूचर प्लान्स इस वक्त बॉडी बिल्डिंग के हैं, पर अभी तक सोचा नहीं है कुछ। अभी मैं +1 में हूँ, 16 साल का हूँ, 7 मार्च को मेरा बर्थडे होगा, तब मैं 17 का हो जाऊँगा। तो बाकी बनाना ख़त्म हो गया है, अब हम सीधा आपको मिलते हैं जिम में, उसके पहले तो कुछ काम नहीं बचा, अब जिम में मिलूंगा सीधा मैं, जब मैं वार्म अप कर रहा होगा तो। ओके भाई। तो भाई खुशी भाई ने मारा यूट्यूब सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, जिसमें पहले 213 थे अब 214 हो गए हो गए, देखते रहना आप। ये देख सकते हो हमारा तीन पहला सौ है भाई, ब्लॉग, 300 हमारा पहला ब्लॉग आया हुआ है ये वाला। आप माय फिट जी, देख सकते हो अब इसमें सब्सक्राइबर शो होंगे, ये है तीन दो सौ तेरह तीन सौ तेरह सॉरी अब 300 खुशी भाई ने सब्सक्राइब किया तब हुए 313, तो थैंक यू भाई, बाकी सपोर्ट दिखाते रहो। तो हम लेंगे सिंगल हैंड लेट पुल डाउन, मैं सिंगल हैंड वाला लेकर आता हूँ, इससे करेंगे स्टार्ट। दो सेट करेंगे सिंगल हैंड के। अब हम करेंगे लैट पुल डाउन,
25 kg। थर्ड सेट करेंगे 25 का, फिर से उसमें 10 रैप्स लेंगे। थर्ड सेट 25 का लेंगे हम, लगाएंगे हम 8 से 10 रैप। हाँ नहीं नहीं एक पकड़ लूंगा मैं। जय श्री राम। चलो हम करेंगे हाइपर एक्सटेंशन का, 3 सेट करेंगे, फर्स्ट 5 से पूरा पूरा करना है ऐसे पूरा, फिर लोअर बैक फील होगा। सेकंड सेट करेंगे हम फिर से 5 का, इसको थोड़ा ऊपर गया हुआ है, पहले थोड़ा नीचे था, उससे हैमस्ट्रिंग फील हो रही थी, अब लोअर बैक में पूरा फील करवाएंगे। 5 ही करेंगे ट्राई अब तक, थर्ड करेंगे 10 अगर सेकंड अच्छे से लग गया तो। थोड़ा बाहर रखते हैं लेग स्ट्रेट। जितने लगते हैं तीनों चीजें होगी ट्रेन आज। अब हम मिलेंगे सीधा शरक्स में, हम करेंगे हम शरक्स बारबल, वो भी स्मिथ मशीन में 70 kg। तो हमारा वर्कआउट हो गया था यहाँ पर खत्म, तो सीधा मैं जिम से घर पे आ गया हूँ। तो मैं पीऊंगा प्रोटीन, प्रोटीन मैं यूज कर रहा हूँ मसल अटैक का प्रोटीन, कुकीज एंड क्रीम अभी मंगाया हुआ था, कल परसों आ गया था, टेस्ट बढ़िया है इसका, अभी तक मिलती है नहीं है ऐसे, कुकीज एंड क्रीम बढ़िया ही होता है, मिक्स करके इसको पी लेंगे। बाकी अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।